कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन सिंध का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें न्यू कराची टाउन में कंस्ट्रक्टर्स को दरपेश मुश्किल पर टाउन में तैनात म्यूनसिपल कमिश्नर के कमिश्नर तलब किए बगैर फाइलों पर दस्तखत ना करने और अदायगियाँ में बेजा ताखिर और नामजद नुमाइंदों के निज़ाम को फेल करने के मामलों को ज़ेरे गौर लाया गया। इस हवाले से तर्जमान कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ने बताया कि कई माह से उनकी एमरजेंसी वर्क की फाइलें गैर जरूरी बुनियादों पर रोकी हुई हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टर्स में शदीद इस्तराब और तशवीश पाई जाती है। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने बताया, न्यू कराची टाउन में 12.5 करोड़ रुपए के काम मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके ऊपर हमने कोई कमीशन नहीं दिया है। ये म्यूनसिपल कमिश्नर ऐसे शहजादे हैं कि जो चाहते हैं कि उनको एक एक फाइल के ऊपर, एक एक काम के ऊपर, एक एक चेक के ऊपर उनको 15% जो है वो दिया जाए। हमने उसका इनकार किया, उसका नतीजा ये निकला है कि रबी अव्वल में भी जो काम हमने करवाए थे, जो इमरजेंसी काम थे, लेकिन आज तक वो कॉन्ट्रेक्टर जो है वो रुल रहा है, उसकी पेमेंट के रास्ते के अंदर रुकावट जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर बने हुए। वो क्यों बने हुए? इसलिए कि उनको हमने 15% देने से इनकार किया है। ठेकेदारों से हमने बात की है कि आप वेट करें, हम किसी को कमीशन जो इंशाल्लाह नहीं लेने देंगे। न्यू कराची टाउन में 12.5 करोड़ रुपए के काम मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके ऊपर हमने कोई कमीशन नहीं दिया है। और अगर हम कमीशन देते तो ये 12 करोड़ में से आप समझ लें कि कम से कम 2-3 करोड़ रुपए कमीशनों में चला जाता पुराने निजाम के अंदर। हमने इस पैसे को बचाया। जहां पे 4 गलियां बननी थी वहां अल्हम्दुलिल्लाह 8 गलियों के अंदर पेपर ब्लॉक लग गए। जहां 1 पार्क की रकम के अंदर 2 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मेंटेन कर लिए।